देखिए धर्राएं से काट रही है ओम थो ले भैया ओम थो दे दो 10,000 दे दो 10,000। तो दोस्तों आपने इनको देखा होगा YouTube पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं और हर कोई इनको पसंद कर रहा है क्योंकि जो इनका डायलॉग है वो बहुत अट्रैक्टिव है। अगर मैं उसको बोलकर बताऊं तो वो कुछ ऐसा है ओम फो धराटे काट रही है तो कुछ ऐसा ही है। तो चलिए एक बार मैं उनसे भी सुनवा देता हूँ उनके मुंह से कैसा लगता है। देखिए धर्राएं से काट रही है ओम फो ले भैया ओम फो। तो दोस्तों आपने इनके मुंह से भी सुना है कितना अट्रैक्टिव और कितना मजा आ रहा है, काफी लोग इस पर वीडियोस भी बना रहे हैं। तो चलिए अभी मैं और सुनवा देता हूँ और काफी लोगों ने इनसे बात करी है और क्या क्या इनके जवाब रहे हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूँ इस वीडियो के अंदर। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? 15 साल से। देखिए धर्राएं से काट रही है ओम थो ले भैया ओम थो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो देख करके मजा आया होगा और आपने कहीं ना कहीं ओम फो दराटे काट रही है। तो भाई अगर आपने वीडियो देखी और आपको वीडियो में मजा आया तो भाई मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों मैं अगर इन चाचा के बारे में बताऊं, भाई ये चरखी बेचने का काम करते हैं और ये काफी टाइम से चरखी बेच रहे हैं और जो इनका घर है भाई बहुत टूटा फूटा सा है और इसी चरखी को बेच करके वो अपना गुजारा कर रहे हैं। चलिए हम उनके मुंह से ही कुछ बातें सुनवा देते हैं। कच्चा ही है, हाँ। है? जाके देख लो कच्चा। हाँ जी हाँ, ये फिरकी है ना जी, समझ लो कि लाश फिरकी है। हाँ जी। इसके बाद आपने धंधा बंद कर दोगे फिरकी का। हाँ। आप कितने में बेचोगे फिरकी? अब तो महंगी बेचेंगे। कितने की बेचोगे? दे दो 10,000 दे दो 10,000। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं कुछ लोगों ने इनके साथ मिलकर के मजाक या वीडियो भी बनाई है और साथ ही साथ कुछ गाने भी लॉन्च हो चुके हैं। आपने देखे भी होंगे सोशल मीडिया पर जो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, जो इस वक्त जिन पर मिलियंस में व्यूज मिले हैं। तो इन चाचा जी का कहना है मैं काफी टाइम से ये चरखी बेच रहा हूँ और इसी से मेरा गुजारा चलता है और इसी से मैंने अपने बच्चों की शादी की है। और दोस्तों काफी लोगों ने इनके इंटरव्यू भी लिए हैं और इंटरव्यू में काफी इन्होंने अपने बारे में बताया कि भाई मैं कब से मैंने ये शुरू करा है और आज भी मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जिस तरह से ये वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से लोग इनको पसंद कर रहे हैं, शायद अब इनको वो चरखी बेचने की जरूरत नहीं है जिसका नाम है ओम फो दराटे काट रही है। शायद अब उनको इस चीज को बेचने की आवश्यकता नहीं है और अब ये शायद मुझे लगता है जैसा इनको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, इनको पसंद किया जा रहा है, तो इनको हो सकता है अब भी अच्छा खासा अमाउंट कमाने लगे। तो दोस्तों जिस तरह से इन चाचों को पसंद किया जा रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इनको शायद उस धराटे वाली जिस चीज़ से वायरल हुए हैं, शायद वो धराटे काटने वाली जो चीज़ है इनकी, अब उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये अब मुझे लगता है शायद सोशल मीडिया पर ही ये वर्क करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने इन पर वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं और अपनी वीडियोस के अंदर लेना शुरू कर दिया, इनके साथ इंटरव्यूज़ करने शुरू कर दिए हैं और इन पर गाने भी कुछ बहुत सारे वायरल्स हो रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखे होंगे, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप चाहे भाई किसी भी कैटेगरी में हो, जब कोई ट्रेंडिंग में जाता है ना कुछ, तो आप देख लिया करो भाई YouTube में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या लोग लाइक कर रहे हैं, तो आप भी उसी ट्रेंडिंग को पकड़ के उसी पर वीडियो बना दिया करो। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि भाई हम एक जैसी वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको व्यूज चाहिए तो भाई आपको भी इस तरह का ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ना पड़ेगा। देखिए धर्राएं से काट रही है ओम थो ले भैया ओम थो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।